हेलो फ्रेंड, यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जहाँ पे स्टूडेंट का डेटा दिया हुआ है। स्टूडेंट का रोल नंबर, उनका नेम और उनके 5 सब्जेक्ट, उनके टोटल मार्क्स, और अब हमें निकालना उनके परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालते समय क्या होगा, एक प्रॉब्लम होगी, आज उसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या होगी, जब हमारे उनके जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 500 में से, मान लीजिए 280। जब आप 5 मार्क्स का जब टोटल करोगे तो आएगा 280, और ये आए हैं 500 में से। और हम चाहते हैं कि जब इनके मार्क्स, टोटल मार्क्स हम खुद भरें, टोटल मार्क्स खुद भरने का मतलब, अगर 400 में से अगर भरने हैं तो हम यहाँ पे 400 लिख दे तो इनके परसेंटेज निकल आए, 300 लिख दे तो इनके परसेंटेज निकल आए, 600 लिख दे तो इनके परसेंटेज निकल आए। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग स्टैटिक फॉर्मूला लगा देंगे तो हम उसके मार्क्स हमें फिर हर सेल पे मैनुअली करने पड़ेंगे। जैसे मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए इक्वल का साइन लगाया और यहाँ पे 280 डिवाइड बाई 500 जब मैंने किया तो इनके 56% आए हैं, और जब मैं ड्रैग करूँगा तो सबके परसेंटेज तो आ जाएंगे, लेकिन मान लीजिए मुझे यहाँ पे 600 के थ्रू चाहिए था, मतलब 600 से निकालने थे इनके परसेंटेज, तो मुझे हर सेल पे यहाँ पे 6 करना पड़ेगा, 6 फिर 6, और यहाँ पे ड्रैग भी करना पड़ेगा, ड्रैग कर दोगे तो सीधे आ जाएगा 6 से। तो मैं चाहता हूँ कि ये मुझे एडिट ना करना पड़े फॉर्मूला, और मैं सीधे यहाँ पे जो वैल्यू डालूँ, जैसे मैंने 600 डाला तो अपने आप परसेंटेज चेंज हो जाए इसके हिसाब से, और जब मैं 500 डालूँ तो इसके परसेंटेज अपने आप चेंज हो जाए। तो ये कैसे करेंगे ये आज देखेंगे। तो करने के लिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल का साइन 280 डिवाइड बाई 500 की जगह वो सेल दे देंगे और एंटर का प्रेस कर देंगे। उसके बाद जब हम ड्रैग करेंगे तो होगा क्या, हमारे पास एरर आ जाएगी। अब एरर देख लेते हैं क्यों आ रही है F2 करके। अब ये H6 तो सही ले रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने I4 ले लिया। I4 की जो वैल्यू है वो है हमारी हैश वैल्यू, मतलब ये परसेंटेज में चला गया, अंडर जो परसेंटेज आ रहा है उसमें चला गया, परसेंटेज के अंदर में चला गया, और इस सेल को होना चाहिए था फिक्स 500। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, I1 को हम लोग फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के लिए हम लोग डॉलर साइन रो और कॉलम के पीछे लगा देंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, फंक्शन के संग F4 की, या फिर कीबोर्ड पे हो तो F4 की केवल आप प्रेस कर सकते हो। तो मैंने जब F4 की प्रेस की फंक्शन वाली तो यहाँ पे डॉलर डॉलर साइन आ गए रो और कॉलम के पहले, और जब जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका पहला आंसर बिल्कुल सही आएगा। उसके बाद जब आप ड्रैग करोगे तो आपकी कोई एरर नहीं आएगी। अब आप जैसे ही यहाँ पे 600 करते हो तो ऑटोमेटिक परसेंटेज आपके चेंज होना शुरू होने। तो इस तरीके से हम लोग ने सीखा आज कैसे हम लोग सेल्फ फिक्स करते हैं और अपना आंसर बिल्कुल सही लाते हैं। इसको दोस्तों कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, या फिर फिक्स रेफरेंस आप लोग कह सकते हो। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको एक लाइक और शेयर, और हमारे पेज को प्लीज़ फॉलो कीजिए। प्लीज़ धन्यवाद।